सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ सम जो बनने वाला है, टॉप फिल्टर जो बनने वाला है मेरे ये टैंक के लिए, और उसके बारे में सारे डिस्कशन रहेगा। मेरा जो फ्रेंड है, मेरा खास फ्रेंड है, वो भी टोटली इनटू फिशेस है, फिश इंडस्ट्री में ही है, और साथ ही साथ उसकी शॉप है। मैं उसके बारे में भी आपको आने वाले कुछ अपडेट करने वाला हूँ वीडियोज़ में इन फ्यूचर। सो चलिए, आज का वीडियो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा थ्योरी में बताऊंगा कि क्या होने वाला है, कैसा टैंक रहने वाला है, उसमें क्या क्या चीज़ रखने वाले हैं एंड किस वे से प्रोसीड होने वाला है। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो ये है हमारे सतबीर भाई, हेलो बोल दो भाई। हेलो भाई, तो क्या करने वाले भाई इसमें अपन? भाई आपका टॉप फिल्टर रेडी किया जाएगा, तो अपना फाइनल मेजरमेंट एंड बाकी का अपन देखेंगे अभी, राइट जी। तो अपने जितने व्यूवर्स हैं उनके साथ में सारी चीज़ें शेयर किया जाए, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग देखते हैं, उनसे मैंने एक भी चीज़ छुपाया नहीं अभी तक के, हर चीज़ के अपडेट दिया है। तो मैं ये सोचा कि आज भी अपना जो डिस्कशन रहेगा वो मैं उन लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो करें शेयर। चलो शेयर, चलो ठीक। तो भाई हम पहले क्या स्टार्ट करने वाले अभी? पहले हम लोग आपका मेजरमेंट्स लेंगे। ये अपना लेंथ आप चल रहे हैं, राइट जी सर। हाँ, ये हो गया अपना वेट एंड देन हाइट एंड ये भी जैसा। Is this enough? हाँ। Done? हाँ। बाकी अपने को तो ऊपर से पाइप रखना है, मेंटेनेंस वाला एरिया वो रहेगा नहीं वैसे भी। ठीक है स्वप्निल भाई, मैं क्या कह रहा हूँ बोलो, यहाँ से आपका इनलेट रहेगा, राइट? हाँ। फिर इनलेट को हम लोग यहाँ पे यहाँ लेकर आएंगे। ओके, फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट में, क्योंकि आपके फ्रंट पार्ट में मैकेनिकल फिल्टर लगना है जो आपके लिए ईजी हो, राइट, क्लीन करने के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसा आपने आउटलेट बोला था, सो वी कैन डू वन थिंग, यहाँ से इनलेट लेते हुए हम यहाँ पे आउटलेट लेंगे। हाँ। देन फ्रॉम दिस वॉल, हाँ, इसको पूरा एंड तक लेके देंगे, वहाँ उस साइड, राइट, एज तक लेके जाएंगे। हाँ। उसके बाद वहाँ से हम डायरेक्टली डंप करना है या फिर हम ऊपर आउटलेट छोड़ दें, वो उन लोगों के लिए सरप्राइज रखे कैसा बनाना है। ये भी सही है, है ना? बिल्कुल। तो कैसा अपन रखने वाले हैं वो पाइप के बारे में जो डिटेल रहेगा, जो हम यहाँ पाइप देने वाले हैं, ओके, इसके बारे में सरप्राइज रखते हैं आगे। बिल्कुल। और यहाँ जो डंप होने वाला है उसका भी सरप्राइज रखते हैं। इन द मीन टाइम आज के वीडियो में हम सिर्फ टैंक के बारे में बात करते हैं, बेसिकली ये अपना टैंक का टॉप फिल्टर रहेगा, राइट, टॉप सम बोल सकते हैं, टॉप फिल्टर बोल सकते हैं, जो भी आप लोगों को बोलना है वो बोलिए। तो इसके बारे में आज अपन बात करते हैं। तो जैसे आपका ये बोला था कि वो कॉर्नर एरिया से आपका पंप से पानी इधर आएगा, एग्जैक्टली फ्रंट पार्ट में, यहाँ पे अपने फ्रंट। अच्छा, कितने पार्टीशन रहने वाले हैं इसमें? हम इसमें स्वप्निल भाई देंगे 2, 3, 4, 5, 6 पार्टीशन, 6 पार्टीशन है, राइट? ठीक है। तो 6 पार्टीशन में फर्स्ट 2 में मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में हम क्या यूज करने वाले हैं? मैकेनिकल में हम लोग नॉर्मल स्पंजेस यूज करेंगे फर्स्ट, देन फाइन स्पंज यूज करेंगे। हां, देन उसके बाद इट्स अप टू ऑन योर बजट। भाई बजट का तो व्हाटएवर इट इज, ऐसा है कि अभी ओकली में सर डाल दिया तो अभी आगे क्या सोचना। बिल्कुल। एंड देन हम लोग उसके बाद बायोलॉजिकल फिल्टर मीडियस में हम लोग सिरेमिक रिंग यूज करना है, राइट? ठीक है। देन वी विल गो फॉर जियोलाइट, हां, क्ले बॉक्स जी, एंड द लास्ट वन इज एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन, राइट। तो जैसे काफी लोगों को डाउट रहेगा कि जैसे हम बायो मीडिया जो यूज करने वाले, तो ये स्पेसिफिकली ये चार ही क्यों यूज कर रहे हैं? जैसे एक और होता है, जैसे काफी आपने बताया, जैसे आपकी तो ऑब्वियसली शॉप है तो आपको डिमांड आता होगा कि लावा रॉक भी रखते हैं, जनरली लावा चिप्स रखते हैं, तो अपन ने वो क्यों नहीं सिलेक्ट किया? इशू में स्वप्निल भाई इसमें ये है कि आपका पानी का जो क्वांटिटी है, हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट? ठीक है। तो होगा क्या कि आप लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका पीएच बढ़ाएगा। तो अननेसेसरली पीएच बढ़ाने से और इतना वाटर मेंटेनेंस आपसे नहीं हो पाएगा, और जो टाइप के अपन जिस तरीके से पीएच कम करना है, एग्जैक्टली, सो इस वजह से हम लोग लावा नहीं रख रहे हैं, राइट? सो दैट इज द बेसिक, करेक्ट करेक्ट।
तो जैसे आप लोग को जैसे सतबीर भाई ने बताया कि चार मीडिया जो हम यूज करने वाले थे उसमें से जो दो मीडिया है सिरामिक रिंग एंड क्ले बॉल्स जो है वो बेसिकली उनका जो मेन काम है वो बैक्टीरिया कॉलोनाइज करने के लिए है। एंड जियोलाइट जो है, जियोलाइट के दो तीन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है, जैसे कि वो वाटर पैरामीटर्स बहुत अच्छे रखता है, वाटर क्वालिटी इंप्रूव करता है, पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंड साथ ही साथ वो अमोनिया भी कंट्रोल करता है। तो काफ़ी सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक्टिवेटेड कार्बन है, जैसे सतबीर भाई ने बताया कि एक्टिवेटेड कार्बन इतने बड़े टैंक को वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा पानी चेंज करेंगे नहीं इसका, क्योंकि हर जगह से इंक्लोज है तो पानी चेंज करने का प्रॉब्लम आएगा नहीं। एंड इवन साथ ही साथ में हम जो कॉर्ड इसमें स्टॉकिंग करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी स्टॉकिंग नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा, तो इसीलिए वो जस्ट जो ऑर्डर रहेगा ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम वो एक्टिवेटेड कार्बन यूज करना रहेगा। तो मैंने सही है इन्फॉर्मेशन देना सतबीर भाई? बिल्कुल बिल्कुल। सतबीर भाई अपन एक काम करते हैं, अभी तो अपन एक नॉर्मल डिस्कशन करें, एकदम शॉर्ट वीडियो है ये, तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो अपना जो टैंक का मेकिंग रहेगा, मेनली अपना सम टैंक का मेकिंग रहेगा, उस टैंक में हम लोग कौन सा ग्लास यूज करने वाले हैं, ये स्टैंड में कैसा उसको बेस देने वाले हैं, कितने एमएम का ग्लास रहेगा, वो पर्टिकुलरली वो ग्लास क्यों चूज कर रहा है, कितना गैप रहेगा, वो सब डिटेल देंगे, करेक्ट? तो चलिए आज का एपिसोड यहां खत्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। ठीक है ना? मेरे से अतरंगी हरकतें खराब होती है।